नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम और मैं हूँ कीर्ति। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई और कहीं भयानक बारिश तो कहीं बाढ़ आई, कहीं भयानक सूखा पड़ा और कहीं ज्वालामुखी और समुद्री तूफान का कहर बरपा। जी हाँ, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। ताजा उदाहरण उत्तराखंड चमोली के तपोवन में देखने को मिला, जहां ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। जी हाँ, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ, जिसके कारण ग्लेशियर टूटकर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा पड़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या है, इसका आम जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है? क्या आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है? और अगर भयावह स्थिति हुई तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण मानव भी होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आसान शब्दों में समझा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप के सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता क्योंकि उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जाता है, लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण। ग्लोबल वार्मिंग होने का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, जिसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या उष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल अधिकतर अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ होती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली
ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारी धरती पर ना होता तो पृथ्वी पर तापमान वर्तमान से काफी कम होता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और तापमान वृद्धि में गहरा संबंध बताया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है। ग्लोबल वार्मिंग में 40% योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक विकिरण का है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है और उन पर शोध कार्य जारी है। तीसरे कारण की बात करें तो पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर अपनी कक्षा में झुकी हुई है। जब इसके झुकाव में परिवर्तन होता है तो मौसम भी बदल जाता है। अधिक झुकाव का मतलब है अधिक गर्मी और कम झुकाव का अर्थ है कम मात्रा में गर्मी या साधारण सर्दी। समुद्र की समुद्री तरंगे भी जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। धरती पर समुद्र करीब 70% भाग पर फैले हुए हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह की अपेक्षा दोगुनी सूर्य की किरणों को सोख लेते हैं। समुद्री तरंगों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर काफी बड़ी मात्रा में गर्मी का प्रसार होता है। सबसे बड़ा कारण तो मानवीय कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में बहुत तादाद में बढ़ना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आधुनिक जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए कारखाने लग रहे हैं जो वायु ध्वनि और जल प्रदूषण कर रहे हैं। उनका कचरा नालियों के जरिए नदियों में होता हुआ समुद्र में पहुंचता है, जिससे जलीय जंतु मर जाते हैं। मोटर वाहनों से वायु प्रदूषण होता है। कागज और लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक हमने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इसके बढ़ने में ग्रीन हाउस गैसों का अहम योगदान होता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ये वो गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। इसमें से सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प आदि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो चलिए जान लेते हैं क्या होती है ग्रीन हाउस गैस व क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। ग्रीन हाउस गैस व इसके दुष्प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा
तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी, समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। इतिहास में नहीं पड़ी। इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां पैदा होंगी। हमें ध्यान में रखना होगा कि हम प्रकृति को इतना नाराज न कर दे कि वह हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर ही आमादा हो जाए। के अनुसार अगर प्रदूषण फैलने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 2 दशकों में धरती का औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक के दर से बढ़ेगा, जो चिंताजनक है। तापमान के इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। कहते हैं ना, आप प्रकृति को बचाएं, प्रकृति अपने आप को बचाएगी। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी ये एकमात्र उपाय है। इसके लिए बहुत से आसान प्रभावी तरीके हैं जिनसे हम अपने स्तर पर इसे कम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा। यह ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हों। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है तथा साथ ही जंगलों में आग लगने पर रोक लगानी होगी। जितना हो सके प्रकृति की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें, प्रदूषण कम फैलाएं, AC फ्रिज का उपयोग भी थोड़ा कम करें, आम बल्बों के स्थान पर CFL का प्रयोग करें। आउटपुट डेस्क, प्राइम TV। जी हाँ, अगर अपनी धरा को बचाना है तो हमें अपनी पृथ्वी को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए मानव में जागरूकता को फैलाना भी जरूरी है, तभी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है।
भारत में विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स के विकल्प की तलाश लंबे समय से चल रही है। हालांकि अभी ये तलाश जारी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के विकल्प के तौर पर पिछले साल ट्विटर नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हुई है और अब कू ऐप ट्विटर के विकल्प के तौर पर तहलका मचा रहा है। तो आइए जानते हैं कू ऐप के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। वैसे तो आप में से कई लोग कू ऐप के बारे में जानते होंगे, लेकिन कई लोग अभी इससे अनजान हैं। तो हम आपको बता दें कि कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसे ट्विटर की टक्कर में पेश किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कू एक मेड इन इंडिया ट्विटर है, या हिंदी अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। बता दें कि इसमें शब्दों की सीमा 350 है। वहीं इस ऐप को ट्विटर के इंडियन अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। इस इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को अम्प्रेमे राधाकृष्ण और मयंक विदावक्ता ने पिछले साल मार्च में डेवलप किया था। ट्विटर की ही तरह कू भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग मुद्दों पर अपने व्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं। इसने अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी जीता था। सबसे खास बात यह है कि इस ऐप में कई भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट दिया गया है। फिलहाल कू में तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया और आसामी का सपोर्ट मौजूद है। सरकार और ट्विटर में जारी तकरार के बीच देसी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू काफी सुर्खियों में है। पिछले 24 घंटे में कू ऐप को 30 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिले हैं। कू ऐप अभी 4 भारतीय भाषाओं में है जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ है। वहीं प्ले स्टोर पर इसके 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। इसे बेंगलुरु की बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब यह सवाल भी उठ रहे हैं कि कू ऐप का ओनर कौन है और क्या इसका कोई चाइनीज कनेक्शन भी है। कू ऐप के को फाउंडर और सीईओ अम्प्रेमे राधाकृष्णा है। उन्होंने बताया कि कू की पैरेंट कंपनी से चाइनीज इन्वेस्टर शुनवेई कैपिटल पूरी तरह बाहर हो जाएगी और यह ऐप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। राधाकृष्णा ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। चाइनीज इन्वेस्टर शुनवेई कैपिटल ने कू और वोकल की पैरेंट कंपनी बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज में 2018 में पैसा लगाया था। राधाकृष्णा ने बताया है शुनवेई ने शुरुआती ब्रांड वोकल में निवेश किया था। हमने अपने बिजनेस में कू पर फोकस बढ़ाया है और अब शुनवेई बाहर निकलने वाली है। हम ट्रूली आत्मनिर्भर भारत ऐप है। कू के सीईओ ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि शुनवेई की कंपनी में हिस्सेदारी सिंगल डिजिट में है। कू में कैरेक्टर लिमिट 400 शब्द की है। कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हुए कू में साइन अप कर सकता है। कू के फीचर ट्विटर से काफी मिलते जुलते हैं या यूजर्स को लोगों को फॉलो करने की सहूलियत देता है। यूजर्स टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं या उसे
ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। क्रू ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, साथ ही इसका वेब पेज भी है। क्रू पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आया जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बारे में ट्वीट किया। गोयल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्रिकेटर अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव समेत कई दिग्गज क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने भी क्रू ज्वाइन किया है। कंपनी का कहना है कि यह ऐप भारतीय भाषाओं में भारत की आवाज है। क्रू ऐप को ट्विटर का इंडियन वर्जन बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद ने भी क्रू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। बता दें कि क्रू ने आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में भी हिस्सा लिया था। क्रू ऐप की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। इसी के तर्ज पर भारत अब आत्मनिर्भर की राह पकड़ते हुए कई चीज़ों को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रहा है। वहीं पर इसी का एक उदाहरण क्रू ऐप भी है, जो ट्विटर के विकल्प के तौर पर भारत में तहलका मचा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।